Kong by Center for Global and Strategic Studies. I, Palvisha Nawaz, welcome you all to our today's online training session on Axioms of Successful Life. हमारे आज के ट्रेनिंग सेशन में हम बात करेंगे व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सक्सेसफुल लाइफ एंड व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस दैट गवर्न अ सक्सेसफुल लाइफ। इसी हवाले से हमारे आज के ट्रेनर हैं मिस्टर तारिक खट्टर। ही इज अ रेनाउंड ट्रेनर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रोशा कैसी हैं जी? मैं ठीक, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु सल्ले अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूं आप लोगों से। मेरा नाम ओबेसी, जैसे फलवाशा ने कहा, फलवाशा वी गेटिंग द स्क्रीन हियर? यस सर, यस यस। व्हाट आई वाज टेलिंग इज लाइक आई एम अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ लेजी ब्लॉगर एंड अ व्लॉगर और एमेच्योर आर्टिस्ट हूं। कमर्शियल एड एजेंसीज के साथ काम करते रहता हूं ऑन एंड ऑफ। आई एम अ 3 टाइम्स मेडल होल्डर फॉर केपी प्रोविंस इन द स्पोर्ट्स शूटिंग कैटेगरी। आई एम अ बिजनेस डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट फॉर द लास्ट 5 इयर्स विद स्मेटा केपी फॉर दिस। आई एम अ पॉन एलुमनाई व्हिच इज द इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम फ्रॉम द यूएस डिपार्टमेंट एंड आज ही मुझे न्यूज़ मिली है बाय द वे दैट selected as a mentor for the internship program, summer internship program. I've been an official consultant for KPID board for establishment of incubation centers across KPID. Startup business consultant with National Incubation Center Peshawar. I'm a member of board of experts for business with the CGSS. Jinke saath abhi main baith ke honor to like speak to you guys. I'm a senior advisor operating the platform by CGSS, jiski taraf se is waqt aapko ye ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी फॉर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर क्लाइंट स्ट्रेटजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिजनेस डेवलपमेंट कंपनी व्हिच बेसिकली वर्क्स विद फॉर द मैच मेकिंग ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस अक्रॉस बॉर्डर्स। सो उसमें तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू लाइक मुबारकबाद दूंगा तमाम दोस्तों को जहां बैठे हो, तमाम नेशन को हमारे 73वीं जश्न आजादी पे। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हम आज टॉपिक लिखा हुआ है इस पे बात कर सकते हैं, बिकॉज की वजह से ही हम ऐसे एबल हुए हैं कि हम यहाँ पर आजादी की बातें करने के बजाय, अपनी आजादी के लिए लड़ने के बजाय हम इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं कैसे सक्सेसफुल बनाना है। वो हों कि कश्मीर जल्द से जल्द आजाद हो और हमारा उसमें काफी साथ में फिलिस्तीन का और हमारे उसमें उसको अचीव करने में हमारा कोई ना कोई रोल हो। What we are talking about here is basically axioms of a successful life. So let's थोड़ा सा सुकरात की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सुकरात छोटा था तो वो कहीं पे जा रहा होता था रोजाना, मेरे ख्याल में वगैरह जाता था, तो वो जाता था तो वहां पर एक कुम्हार बैठा होता, कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन वगैरह बनाते रहते हैं, नकाशी वगैरह करते हैं, तो वो बैठा होता। ऑब्वियसली इस लेवल के लोग जो होते हैं तो वो उनके बचपन से ही एबिलिटी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई होती है कि वो हर एक चीज को परखते हैं, हर एक चीज को देखते हैं। तो जब वो वहां पे वहां से गुजरता तो एक दिन वहां पे उस कुम्हार के पास रुका और उससे पूछा कि आप ये बर्तन कैसे बनाते हैं? ये बर्तन तो आप बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, आपकी इर्द गिर्द मट्टी पड़ी हुई है, आपके पीछे पहाड़ भी है, वहां से मिट्टी लाते हैं, इसको करते हैं, लेकिन ये बनने से पहले बनती का तो कुम्हार जो कि ऑब्वियसली एक बड़ी उम्र का शख्स था, उसने उसको जवाब दिया कि सबसे पहले मेरे जहन में बनती है। तो सुकरात ने उसको जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक, मुझे एक सवाल का जवाब मिल गया, ये जो तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर इस कायनात में की है वो सबसे पहले उसके जिसके बेसिस पर अल्लाह ताला ने सबको तख्लीक किया। उसके बाद उसके ज़हन में एक और सवाल था कि जो आप इतनी खूबसूरत बर्तन बनाते हैं, उस पे नक्काशी करते हैं, उसको खरीदते हैं, उसको देते हैं, उसकी वजह क्या है? लोग क्यों पसंद करते हैं उसको और आप ही क्यों मशहूर हैं इस तमाम हुनर में हमारे इलाके में? उस कुम्हार का जो कहना था वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उसने उसको जवाब दिया कि मैं इसको बड़े शौक से बनाता हूं,
इसमें अपना प्यार डालता हूँ, इस काम के साथ मेरी पैशन है, मुझे पसंद है ये काम, इसलिए ये बर्तन इस तरह निकलते हैं कि इसमें खूबसूरती निकलती है, जिस तरह मैं चाहता हूँ, जिस तरह इमेजिनेशन में मैं क्रिएटिव थिंकिंग में करता हूँ, उसी तरह वो बर्तन उसी तरह रेप्लिकेट होके मेरे इस हुनर में सामने आ जाता है। यहाँ पर वो बात आ जाती है जो कि मैं कुरान शरीफ अल्लाह ताला का कलाम है, लेकिन उसका हर एक लफ्ज हर एक हर्फ हमारे लिए मुहतरम है और हमें उस पर यकीन है, लेकिन जो एक दो सूरतें हैं जिसमें से मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा कि खलकना इंसान अफी आसन तक हुए। अब इस सुकरात की उसको कॉन्टेक्स्ट को स्टोरी को इस एक आयत के साथ जब आप रिलेट कर लेते हैं तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैंने इंसान को एक आला दर्जे में बनाया। अब वो इंसान उस आला दर्जे में जब बनता है तो वो अल्लाह ताला ने खुद कह दिया, तो क्या उसकी अल्लाह ताला की दानाई जो कि एक सुपीरियर पावर है इस सारी कायनात में जो कि हमारा मानना है, तो क्या उसके अगेंस्ट कोई और चीज या रियलिटी आ सकती है, कोई और एक्सियम उसके सामने आ सकता है? ऑब्वियसली नहीं आ सकता। خلقت خلقنا الانسان في احسن تقويم کے بعد اور وہ جو سقراط کے ساتھ کو بہار کے ساتھ باتیں ہوئی تھی کہ میں اس کا اپنا پیار ڈالتا ہوں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ 70 مول سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیا ہم اس لیول پہ نہیں بنائے گئے کہ جس میں ہماری اپنی بلیف سسٹم، ہماری اپنی فیلنگز اور ہمارا جو امپاورمنٹ ہے، ہمارے اپنے تھاٹ پروسیسز ہیں، اپنے ڈیسیژن میکنگ ہے، وہ ہم اس لیول تک لے آئیں تاکہ جو ریالٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالی ہوئی ہے وہ ہم میں ابھر کر سامنے آیا۔ ہم ایز اشرف المخلوقات واحد مخلوق ہیں اس پورے جہان میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، شعور اس چیز کا کہ ہم انسان اپنے مقصد کے بارے میں سوچے، اپنی لائف کے بارے میں سوچے، اپنی ذات کے بارے میں سوچے، اپنے سراؤنڈنگز کے بارے میں سوچے، ملک کے بارے میں سوچے، سوسائٹی کو واپس دینے کے بارے میں سوچے۔ سکسیسفل لائف سے پہلے تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھیں کہ زندگی ہے کیا ویسی، اور ہم کیوں اس پروسیس میں اور اس چیزوں میں گھر جاتے ہیں کہ ہم اس سے آگے نگل نہیں پاتے، کہ اس جگہ پہ سوچیں کہ یار جتنی بڑی عطا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ بیسکلی ہماری اپنی زندگی ہے، یہی جسم ہے، یہی روح ہے، یہی قلب ہے جو ہمارے پاس ہے۔ زندگی نام ہے آرزوؤں کا، زندگی نام ہے خواہشات کا، زندگی نام ہے اس چیز کو چاہنے کا جو انسان کے پاس نہیں ہوتی، زندگی نام ہے ان اس طرح کہہ لیں کہ ان گولز کا، ان آبجیکٹیوز کا جس کو انسان پلان کرتا ہے فار دا نیکسٹ فیوچر اینڈ ایوری تھنگ، لیکن جب اس کے لیے انسان کوشش نہیں کرتا تو اس ایک محور میں گھر جاتا ہے، وہاں سے نکلنے کے لیے اس کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ پاسبل ہے۔ انسان مسترب ہو جاتا ہے، انسان کی روح مسترب ہو جاتی ہے، اچیومنٹس اس کے بعد نہیں ملتی، ان چیزوں کی طرف آتے ہیں، لیکن لائف وہی چیز ہے، آرزوئیں ہیں، خواہشات ہیں، اس کو ڈھونڈنا ہے، اس کو اچیو کرنا ہے، لیکن ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی، ایز اے پارٹ آف دا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بہت کچھ ابھی اچیو کرنا ہے، اور اسی کے بیسس ہم آگے آج کے دن کل ہمارے جشن آزادی کے جشن منائے جائیں گے، روڈوں پہ لوگ گاڑیوں میں اور بائکوں پہ اور اس کو نکل کے ہمارے سب سے زیادہ وہ لہرانا، اور یہاں پر جو لائف ہم اس وقت گزار رہے ہیں اپنے دفتر میں بیٹھ کے، گھروں میں بیٹھ کے، وہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ کوریلیٹ کرتی ہیں کہ نہیں؟ تھوڑا سا سکسس پہ آ جاتے ہیں کہ واٹ از بیسیکلی سکسس۔ سو دی ڈیفینیشن آف سکسس بیسیکلی اٹس ڈیفرنٹ بینچ مارکس ہیں لوگوں کے، ایک بلزائے نہیں کیا جا سکتا ایک ڈیفینیشن پہ کہ یار دس از واٹ سکسس از، اور انٹرنیشنلی اس کو انسان کے اپنے نیچر پہ، مائنڈ سیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے اپنی بیک گراؤنڈ پہ، اپبرنگنگ پہ، فیملی بیک گراؤنڈز پہ، نالج پہ، علم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پرسیو کیسے کرتا ہے اپنے انوائرمنٹ کو، ان ساری چیزوں کو۔ تو سکسس از ڈیفینیشن ڈیفرنٹ لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے خوش رہنا کافی ہوتا ہے، سارا دن ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے وہ خوش رہتے ہیں، اللہ ان کو اور بھی خوشی دے، اللہ ان کو اور
उसके अलावा भी कुछ इधर उधर नजर डाल लें टिकटॉक पे बैठने के अलावा. हालांकि बाय द वे मेरे ख्याल में मेरे साथ काफी लोग इसमें वो नहीं एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैंने एक दफा टिकटॉक इंस्टॉल किया, आई यूज्ड टू वॉच देयर वीडियोस एंड मैं एडिक्ट हो गया था उसका. हालांकि बहुत से वीडियोस पे बहुत ज्यादा वो था, फजूलियात भी बहुत थी, लेकिन आई हैड टू डिलीट इट. बहुत ज्यादा टाइम जाया हो रहा था, लेकिन स्टिल यू हैव टू गिव कूडोस टू दोस पीपल जो कि इतना एफर्ट करते हैं. अच्छा, सो दूसरी बात, फुलफिल्ड फुलफिलमेंट इन लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड योर एट्रीब्यूट्स एंड एवरीथिंग. कोई किसी की डेफिनेशन ये होती है कि उसने जब अपने एबिलिटीज के मुताबिक एबिलिटीज के मुताबिक अपने स्किल सेट्स के मुताबिक नॉलेज के मुताबिक जो चीजें अचीव की हैं तो वो वहां पे उसको सक्सेस बताता है. सो दैट इज अ लेवल ऑफ सक्सेस फॉर देम. हेल्थ ऑब्वियसली, माशाल्लाह हम सबको अल्लाह सेहत दे, लेकिन हमारे जैसे नौजवानों को मतलब कोई मसला नहीं, लेकिन जो बड़े बूढ़े हैं हमारे बड़े हैं सबको सेहत दे, और उनके लिए सेहत बहुत बड़ी चीज है. और आपने कभी देखा होगा कि वंस she gets well and everything, uske baad uski kya khushi hoti hai. Aur abhi recently covid ke situation mein jitne logon ko covid ba alag bug ki jitko nahi hua unko apne zaman mein rakhe, wo jab sehatyab hue to unhone kis tarah khushi se bataya ki alhamdulillah wo hua ye hua and I'm good now. So health obviously usko ek benchmark rakhte hain. Professional growth, bahut se logon ko internationally especially professional growth is what they look forward to in defining their own success in their personal usme development mein professional development mein. Professional growth main apne opinion baad mein dunga. Professional growth ek certain level pe manager se GM banna hai, GM se CEO banna hai, captain banna hai, major banna hai, brigadier banna hai, lieutenant general banna hai. Financial security, obviously that is a must for everybody. Hamare lifestyles mein aur hamare societies mein is daur mein century mein financial security bahut zyada important hai. So that is something that everybody looks forward to. Aur phir being able to give back, bahut se log hain duniya mein jo ke apne falahi kamon ke through वो सब कुछ अचीव करें, उसमें इतने खुश हैं कि मेरे ख्याल में आप लोगों का किसी ना किसी से वास्ता पड़ा होगा. अमेजिंग. सो कुछ लोगों की सक्सेस का जो डेफिनेशन है या बेंचमार्क है, दैट इज बीइंग एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी थ्रू व्हाटएवर द मींस और द रिसोर्सेज दैट दे हैव. सो अब इसमें थोड़ा सा माइंड इसका डिफरेंस आ जाता है जो पिछले हमने बातें की. देयर आर टू माइंडसेट्स ऑफ पीपल बेसिकली, फिक्स्ड माइंडसेट है और ग्रोथ माइंडसेट है. यहां पर फिक्स्ड माइंडसेट वाले वो लोग हैं जो कि अपने कंफर्ट जोन में रहते रहते हैं, हैप्पी एट व्हाटएवर दे आर गेटिंग, इफ इट्स अ मंथली पे फ्रॉम देयर जॉब, इफ इट्स अ स्टेबल शॉप दैट दे आर रनिंग, और इफ इट्स अ स्टेबल क्रॉप कल्टीवेशन दैट दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट. सो वो उसी में खुश रहते हैं. दे डोंट नीड ऑफ के वो कहां से और नॉलेज में वो अपने आप को चैलेंज नहीं करते. वो अपने आप को फेलियर्स में जब वो उनके सामने आती हैं तो फेलियर्स में अपने आप को उसी लेवल पे रखते हैं और आगे जाने की कोशिश नहीं करते. डोंट लर्न फ्रॉम इट. वो अपने वही बात है, कंफर्ट जोन में रहते हैं कि यार जो भी है अलग दिया हुआ है, बस इसी पे खुश रह लो. उसमें एक और माइंडसेट आ जाता है, ग्रोथ माइंडसेट. दिस इज वेयर आई बिलीव दैट आवर नेशन लैक्स अ बिट. एंड मेरे ख्याल में बहुत से केस स्टडीज ऐसी हमारे सामने आई हैं ड्यूरिंग माय करियर एज अ ट्रेनर एज अ स्पीकर एज वेल, जिसमें मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ. और वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा सा एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगा जो कि मैं नहीं चाहता कि तुम रिलेट हो किसी के साथ. लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वो हैं जो कि चैलेंजेस लेते हैं, फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं, फेलियर्स से लर्न करते हैं, आगे निकलने की कोशिश करते हैं, पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, सोशल कोशेंट उसका उनका एंड इमोशनल कोशेंट उनका. जरूरी नहीं है कि आईक्यू लेवल उनका बहुत हाई हो,
लेकिन आजकल के दौर में अगर देखें तो आईक्यू लेवल ठीक है, एकेडेमिया के लिए वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन हमारे अभी लाइफ इतनी चैलेंजिंग हो गई है कि हमारा अभी नाउ और आईक्यू लेवल विद रेलेवेंस टू आवर एक्यू एंड एसक्यू लाइक इमोशनल क्वोशंट्स एंड सोशल क्वोशंट्स दैट मैटर्स अ लॉट बिकॉज़ द कम्युनिकेशन स्किल्स दैट यू हैव टू ग्रो समवेयर इन योर करियर योर प्रोफेशन इन योर व्हाट Said maybe something that that I've been through because jahan par aap relate kar sakte hain jis cheez ko apne life ke sath aur case study jo aap usme pad sakte hain ya aapki apni life hoti hai wo jab aapke samne aati hai aur aapka ek life cycle jab aapke samne se guzarta hai aap sochte hain ki maine pichle itne saalon mein kya kiya aur abhi kahan baitha hu. जरूरी नहीं है कि उसमें आपके फाइनेंशियल गेन्स वगैरह आप एकदम से करोड़पति बन जाए, लेकिन द रिस्पेक्ट इन द मार्केट एंड एवरीथिंग, फिर एक स्टडी एक प्रोसेस ग्रोथ प्रोसेस जब चल पड़ता है तो बंदा कहता है कि हां यार ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इन फ्यूचर फॉर प्लानिंग एंड एवरीथिंग. सो मैं तो कम से कम अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आई हैव बीन थ्रू अ नंबर ऑफ डिसीजंस रिसेंटली क्वाइट रिसेंटली That is the only reason. अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे तौफीक दी और शऊर दिया कि मैं दूसरी कैटेगरी में आ रहा हूँ इस पर, और मैं आपके सामने इस वक्त से GSS के प्लेटफॉर्म से एक डियर मेंबर और एक डिसीजन मेकर के तौर पर आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ. सो बेसिकली फिक्स्ड माइंडसेट्स एंड ग्रोथ माइंडसेट्स, ये दो किस्म के लोग हैं. दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, आपके सामने पिक्चर में भी नजर आ रहा है, एक का दिमाग सो रहा है, दूसरे का दिमाग पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा है. So, for a successful life, you need to have that growth mindset. Apne challenges lene, failures ko accept karna, financial failures ko accept karna, business mein failures aur nuksan ko accept karna, relationships mein ups and downs ko accept karna. Ye sari cheeze jab aap usko accept karke, usko absorb karke, usko past mein dalke, उससे जब आगे निकलने की कोशिश करते हैं और उसको छोड़ देते हैं एंड व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन दैट वेरी प्रेजेंट और उसी पे आप काम करते हैं, फ्यूचर को अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अपनी कोशिश करें, पास्ट को छोड़ दें, प्रेजेंट पर रखें, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते जाएं, आगे चलते जाएं. तो दैट इज वेयर द ग्रोथ माइंडसेट वर्क्स. ये बचपन नहीं है, आपके दिमाग को ट्रेन किया जाए. माइंडसेट से आप ग्रोथ माइंडसेट में आ सकते हैं. आपको सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज को डिफाइन करना होगा, प्रायोरिटीज को सेट करना होगा, प्रेफरेंसेस लेने होंगे, डिसीजंस लेने होंगे, उसके बेस पे आप आगे जा सकते हैं. सो व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम गोइंग बिग, ऑब्वियसली सब लोग, सब मोटिवेशनल स्पीकर्स जो सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुज भी हैं, बहुत से लोगों को मैं सुनता हूँ. सबसे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पाकिस्तानी मोटिवेटर्स आर मेरे रूहानी गुरु हैं, स्पेशली कासिम अली शाह साहब, प्रोफेसर अहमद साहब वगैरह. तो आता हूँ उनकी तरफ भी आगे आऊंगा, लेकिन व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम गोइंग बिग इज बेसिकली द फियर्स. ये फियर जो है ये बेसिकली इट्स एन इमोशन विद इन यू, एन इमोशन विद इन योर ब्रेन. Doesn't make you or doesn't want you to move forward. इसलिए कि आपके सामने वो possibilities रखता है जो कि आप खुद देखना चाहते हैं, ताकि आप उस comfort zone में रहें, ताकि आपको कुछ करना ना पड़े. आप आगे जाते हैं, कदम लेते हैं, सीढ़ियों से उतरते हैं, आखिरी सीढ़ी पे पांव रखूंगा फिसल जाऊंगा, तो पहले सीढ़ी से ही आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू कर देते हैं. बहुत से लोग एलिवेटर्स में जाते हैं, एलिवेटर्स का बटन दबाते हैं, उनके हाथ काम रहे होते हैं. They always wait for somebody else to get into the elevator and push them.
यहाँ पे वो जो बटन पुश करने वाली बात आ जाती है, जो फियर है आपका उस कंफर्ट जोन से निकलने का, वो चीज आपको आगे नहीं जाने देती। कंफर्ट जोन मेक्स यू एक्सेप्ट द रियलिटी दैट यू आर इन, चाहे वो फेलियर ही क्यों ना हो, चाहे आप रैंक में ही क्यों ना हो, चाहे आप एक कोठी से वापस आके एक झोंपड़ी ही में क्यों ना रह रहे हो, कंफर्ट जोन और ये खौफ जो है ये आपको इस तरह से रखता है कि आपको आगे की पॉसिबिलिटीज का पता ही नहीं चलता। आपने गूगल पे या यूट्यूब पे इस टाइप की वीडियो या पिक्चर देखी होगी, एक बंदा है जो कि दूसरी तरफ वाला बंदा जो है वो आगे चलता रहता है तो उस बंदे ने अपने आप को उस रियलिटी को, उस वक्त की प्रेजेंस को एक्सेप्ट किया कि दिस इज व्हाट आई हैव, लेट्स नॉट मूव फॉरवर्ड, लेट्स नॉट गेट इनटू एनी मोर फिजिकल एक्टिविटी, अपने आप को क्यों एक्सर्ट करूं, बट दिस इज व्हाट आई हैव फॉर मी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड वाली बात ठीक है, लेकिन वो जो आगे जो गोल्ड पड़ा था या डायमंड पड़ा था, दैट इज समथिंग उसको फोरसी करना चाहिए था, या और थोड़ी capabilities have been increased करके थोड़ा सा और फटिक रहना पड़ेगा, क्योंकि निकाल लेना चाहिए ना। So comfort zone is a very dangerous thing। हम हर रात इस वक्त अपने बेड पे जाते हैं तो एक comfort zone में चले जाते हैं, हम अपना Facebook खोलते हैं, Instagram खोलते हैं, TikTok खोलते हैं, उस पे बैठ के लगे रहते हैं, घंटा गुजर जाता है, दो घंटे गुजर जाते हैं। मेरी उम्र के लोग होते हैं तो उनके बच्चे सो जाते हैं, तो खबर ही नहीं होती टाइम क्या हुआ, दो ढाई बजे सुबह फिर उठना मुश्किल हो जाता है। सो दैट कंफर्ट जोन इज जोन गोइंग इनटू दैट इज वेरी डेंजरस। और फिर अननोन्स तो किसी को नहीं पता होता, सो व्हाई वरी अबाउट इट, व्हाई वरी अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, दैट इज नॉट इन योर कैपेबिलिटी टू गेट आउट ऑफ। अननोन्स तो अननोन्स है, दैट इज कॉल्ड, इसलिए तो उसको अननोन कहा जाता है। अब इल्म होता मालूम का इल्म जो है वो मालूम हो जाता है, तो अब मालूम और नामालूम में तो फर्क तो है ना, बिकॉज ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव। इसी अननोन्स, फियर्स और कंफर्ट जोन्स की वजह से ही आजकल इंसान उस इस्तराब में पड़ गया है, उस तरह हो गया है, और अपनी स्टेट में उसमें एक लैबरिंथ में फंस गया है। रास्ते उसके पास होते हैं निकलने, वो वहां से निकल इसलिए नहीं सकता कि वो हिलेगा तो वहां से जाएगा, कोशिश करेगा, कुछ काविश करेगा, अलग की तरफ से उसको कुछ मिलेगी, उससे दुआ करेगा तो वो फिर आगे निकल पाएगा। He doesn't want to go out of that. Over analysis leads to paralysis. वो इसलिए वो अपने फियर्स के बारे में, अगर मैंने ये कर दिया, रिस्क टेकिंग सिचुएशन नहीं बनती उसके पास, नहीं कर रहा, ये एबिलिटी उसके पास नहीं होती, तो अगर मैंने ये स्टेप ले लिया मारा जाऊंगा, ये माली नुकसान हो जाएगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, जो कि अभी ले बालक होते हैं, पैंपर उनको पहना रहे होते हैं, उसका 10 साल बाद उसके कॉलेज के बारे में, 20 साल बाद उसके बारे में सोच रहे होंगे, यार 10 साल 5 साल बहुत दूर की बात है, 365 डेज इनटू 5 और 10 और 20, 365 डेज और डिवाइड कर लेंगे 24 आवर्स पर डे, 60 मिनट्स, 60 सेकंड्स एंड 1 सेकंड गुजर गया। अगले का मुझे पता है क्या मैं ये चुटकी दोबारा दबा कर सकूंगा, बजा सकूंगा, क्या आपको आवाज आई है चुटकी की, ये वाली। सो स्टॉप लिविंग इन फियर्स। अब जब आप ओवर एनालाइज करते हैं अपनी सिचुएशंस को, अपने फाइनेंसेस को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने करियर्स को, हर एक चीज को, जो एट्रीब्यूट्स हैं जो आगे आएंगे, जब आप उसको एनालाइज, ओवर एनालाइज करना शुरू करें, तो आप वहीं पे बैठ के रुक जाते, नहीं बढ़ सकते।
ये मेरे ख्याल में मैल्कम बोल्टन की वो है, मैंने वो किया था, नथिंग never been achieved except for those who have something inside them in superior circumstances. आप में अपनी ability है अपने circumstances को create करने की, आप में अपनी ability है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो तौफीक आपको दी है कि आप अपने circumstances को govern करें, अपने fears को control करें, अपने बिस्तर से उठ के अपने जूते बांधें और walk पे निकल जाएं, gym चले जाएं, exercise करें, या सुबह 4 बजे उठें, तहज्जुद पढ़ें, नमाज पढ़ें, उसके बाद काम पे निकल जाएं, या लैबरिंथ में से वो रास्ता निकालना शुरू कर दे कि आपको पता तो चले कि वो 3 रास्ते जो ऊपर से देखने वाले को नजर आती हैं, उस मेज में अंदर खड़े होने वाले बंदे को तो नजर नहीं आती, ठीक है, उसके लिए भागो, एक तरफ भागो, दूसरी तरफ भागो, रास्ता निकल ही आएगा आखिरकार. सो दीज आर द मेन और ऑब्वियसली इसमें फिर बहुत सी चीजें आ जाती है, इमेजिनेशन है, लिमिटिंग पावर बिलीफ, पावर्स है, सिस्टम है, वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं. सबसे बड़ी चीज उसमें फियर्स है, मुस्तकबिल का खौफ. हमें यहां पर सबसे पहले हमें तो कायद ने ये खुद बता दिया था कि जो ऊपर हमने जो बातें की हैं अभी, you will have to make for up for the smallness of your size by your courage, fear gaya, selfless devotion, comfort zone gaya, for it is not life that matters but the courage, the fortitude, sabr and determination you bring to it. To jo qaid ki ye baatein hain तो कायद की जो ये बातें हैं, अलोचना, are you seeing my screen right now? Yes, sir. Okay. So कायद की ये जो बातें हैं, जो पीछे हमने बातें की, fear, comfort zone, unknowns, labyrinths, overanalysis, everything, बातें खत्म हो गई ना? आज हम जिस दिन बैठे हैं, 13th of August, कल वो दिन होगा. अब ये सिर्फ ये सोचिए कि आज के दिन उस 1947 में उन लोगों के क्या एहसास थे जिन लोगों को पता था कि कल ये ऐलान होने जा रहा है. तो क्या कायदे इस सेम में बात ही खत्म नहीं कर दी हमारे लिए? और फिर ये वो दो जात है जिनको एक मुस्तरब रूह ने, उनके इस्तराब ने जो अल्लाह की तरफ से उनको अता थी, इस लेवल तक पहुंचाया कि इस वक्त ये लोग हमारे कौमी हीरो, इस लेवल तक पहुंचाया कि इनकी इंपॉर्टेंस को जो समझता है आज भी उनकी मजार पर जाकर इनकी दुआएं करते हैं, इस लेवल तक पहुंचाया इंग्लैंड जाके बिजनेस के एजुकेशन हासिल करने के बजाय लॉ पढ़ के वापस आके पूरी एक कौम की, एक उम्मत की, इनफैक्ट मैं कहूंगा तकदीर ही बदल दी. ये होता है जब इंसान अपने आप को ढूंढना शुरू कर देता है, जब इंसान को अपने मकसद का पता चलना शुरू हो जाता है. वो ऐसे ही नहीं होता, वो ढूंढने से होता है. क्या कहते हैं ना, जाति अंदर रूप, पंजाबी में मैं थोड़ा सा, लेकिन अपने अंदर झांक के देखो, यू आर इनसाइड योरसेल्फ. किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है उसमें. अच्छा, फॉर मी, मैं थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा यहां पर माय डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. देखिए, यहां पर एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं. I'm sitting in front of you right now as a case study. मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई माहिर नहीं हूं, मैं कोई आपको सिखाने के लिए यहां नहीं बैठा, बल्कि आपके साथ रिलेट करने के लिए यहां बैठा हूं.
आपके साथ अपने ख्यालात शेयर करने के लिए बैठा हूँ और आपसे सीखने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। तो अगर मेरी इस सारी बातों में कोई आपको गलती नजर आती है या कोई करेक्शन नजर आती है या आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम एट द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह। मैं यहां पर सक्सेस को डिफाइन करूंगा उस लेवल पे, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे नॉट थ्रू जस्ट योर मनी योर फाइनेंसेस बट रादर थ्रू योर स्किल योर नॉलेज whatever the abilities and capabilities that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon you. Ab jab us level tak pahunch jate hain ki aap dusre bande ko dena shuru kar dein, ek rabbani sifat apne aap mein dal lein jo ki Allah rabbul izzat ki sifat hai, to phir aap darja ba darja ek success ke level ko aur uske raston ko karna shuru kar dete hain aur aapko pata hi nahi chalta ki main वहां तक कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, कितनी एफर्ट मैंने लगाई है। एक ऑटो पायलट में बंदा चल पड़ता है। जज्बा क्या होना चाहिए, एनेबल योरसेल्फ इनफ। कोई फाइनेंशियली करना चाहता है फाइनेंशियली करे, कोई अपने इल्म के थ्रू करना चाहता है इल्म के थ्रू करे, कोई अपने नॉलेज के थ्रू करना चाहता है अपने नॉलेज के थ्रू करे, किसी और के पास कोई और स्किल सिखाने के लिए हो वो करे। बहुत से लोग इस वक्त इंटरनेट पर बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इस कोविड के सिचुएशन में बहुत से लोग ऐसे सामने आए हमारे अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी में जिन लोगों ने अपना स्किल शेयर किया। मैं इस बात में बहुत एक उसमें जोया साहब जो लोगों को छोटे बिजनेस सिखाना शुरू कर सिखाते हैं, आजाद चाय वाला साहब, बहुत से लोग, सरवर साहब, बहुत से लोग सामने आए हमारे अपने CGSS से। इस वक्त मेरे ख्याल में 3 के 4 ट्रेनिंग कोर्सेज चल रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के और डिफरेंट उसके। सो आई वुड अर्ज यू गाइस टू लाइक ऑलवेज चेक इनटू CGSS वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। यू माइट लाइक और यू माइट बी एबल टू टेक पार्ट इन टू अचीव व्हाटएवर ऑब्जेक्टिव गोल्स दैट यू हैव इन योर लाइफ। सो मेरी सक्सेस डेफिनेशन नॉट एग्जैक्टली बट रादर इसलिए कि इसको चेंज होता रहता है, लेकिन जो बड़ी डेफिनेशन है दैट इज कि आप उस जगह पे अपने आप को ले आए, इतना अपने आप को एनेबल करें, अल्लाह ताला से इस चीज की दुआ करें कि आप उस लेवल तक पहुंचे कि जब यू स्टार्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी थ्रू एनीथिंग एनी रिसोर्स दैट यू हैव, ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को मिला देता है। आपको जब आपके कल्ब का सुकून मिलना शुरू हो जाता है तो आपकी पर्सनल लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपके प्रोफेशनल गोल्स अचीव होना शुरू हो जाते हैं। पर्सनल लाइफ एंड योर वैल्यूज एंड एवरीथिंग मैटर्स बिकॉज़ इट डिफाइंस यू, इट डिफाइंस योर कैरेक्टर, इट डिफाइंस योर अपब्रिंगिंग एंड एवरीथिंग। प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस डिफाइंस योर सर्कमस्टेंसेस, डिफाइंस योर सोर्सेज, योर रिसोर्सेज, आपको क्या मिला है, आपने अचीवमेंट्स क्या किए हैं, उसके बाद सर्कमस्टेंसेस, आपको अचीवमेंट्स क्या है, आप आगे और कितना दे सकते हैं, उसको कितना और एलिवेट कर सकते हैं, अपने आप को कितना एलिवेट कर सकते हैं, अचीवमेंट्स के बेसिस पे आप कितना अपने आप को और एनेबल कर सकते हैं कि ऊपर की चीज जो मैंने लिखी हुई है इसको आप अचीव करना शुरू कर दें। देखिए बात है, हमारी लाइफ बिटर हो गई है। Our individuality has basically, individuality से मुराद मेरी ये है कि हमारा अकेलापन किसी भी हाल में, किसी से शेयर ना करना, इंट्रोवर्ट बन जाना, या किसी अपने वालिदैन से शेयर ना करना, बहन भाइयों से शेयर ना करना, दोस्तों से शेयर ना करना, वो बातें जो मैटर करती हैं ये जनरल चीजें नहीं। सो आर इंडिविजुअलिटी और अपने गर्ज में और अपने मकसद में ही रहना और हर एक जगह से अपना मकसद निकालना, एथिकल हो ना हो, उससे इंडिविजुअलिटी ने हमारी सोसाइटी को बेटर कर दिया है। हालांकि अगर आप देखें तो हनी इज अ रिजल्ट ऑफ डिटरमिनेशन और यूनिटी, बेसिकली शहद में स्वीटनेस है, शहद में मिठास है। वंस अ नेशन, अ पर्सन at its own level, at his or her own level, decides to give back to the society whatever the resources, whatever the abilities, whatever the means that he has or she has, starts giving back to the society, so
सोसाइटी में शहद जैसा जैसी मिठास बनना आपके कैरेक्टर्स और जो इल्म आप हासिल करते हैं आपकी नॉलेज आपकी फैमिली अपब्रिंगिंग ये आपको डिफाइन करती है वैल्यूज आपको डिफाइन करती है आपकी लाइफ में वैल्यूज नहीं है प्रिंसिपल्स नहीं है सॉरी टू से बहुत थोड़े अरसे के लिए आपको सक्सेस मिलेगी और एक दोबारा की तरफ बैठ जाएगी हमारे आका हमारे हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में इस्लाम की तबलीग शुरू की वो किस लेवल पे था वहां पे वैल्यूज क्या थी कैरेक्टर्स क्या थे मौशरती जिंदगी कैसी थी वो सबको पता लेकिन सीरत अल्लाह ताला के अता करदा कलाम अपने रोजाना मौशरती मामलात के थ्रू लोगों से मिलने जुलने अपने इवन वही मिलने से पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात लोगों से उनके मामलात कारोबार में जाती लाइफ में और फिर तबलीग के बाद उन्होंने किन लोगों को वो कैरेक्टर्स बनाए वो कैरेक्टर दिया वो लेवल दिया वो प्रिंसिपल्स दिए जिनमें सबसे पहले तो हमारे खुल्फाए राशिदीन आ जाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु मोहब्बत का पहाड़ हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु सखावत हजरत उमर फारूक कैरेक्टर of character. حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کا باب مولا علی وہ لیول ملا سکتا وہ کس کے تھرو guidances علم knowledge sharing اگلی بات پہ professional defines your attitude towards challenges and success obviously So, मैं थोड़ा सा बात को तेज कर मेरे एक मेंटोर है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सीजीएसएस में वो कहते हैं कि इफ यू आर नॉट ऑन द गूगल्स फर्स्ट पेज सर्च लिस्ट यू आर नॉट सक्सेसफुल अल्लाह का शुक्र है मैं गूगल के फर्स्ट पेज उसमें सर्च में आता हूँ लेकिन थोड़ा सा नीचे लेकिन आ जाता हूँ उसमें सो अल्लाह का बड़ा शुक्र है अच्छा शुरू में मैंने बताया था कि व्हाट आई हैव बिकम अब मैं want to be मैं सिर्फ ऑफिसर रिलेट करना चाहता हूं फॉर द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस आई एम वेयर आई वांटेड टू बी अल्लाह ने मुझे वो तौफीक दी मैं वहां पे पहुंच गया हूं आगे का अल्लाह जाने अल्लाह के डिजाइन जाने मैं अपनी सिर्फ अपनी कोशिश कर रहा हूं अपने तहे दिल से इज्जत के साथ लोगों के साथ अच्छे मामलों के साथ आई लव व्हाट आई डू जो मैं करना चाह रहा था जिंदगी में वही काम आजकल मैं कर रहा हूं ये सिर्फ नहीं है ये ट्रेनिंग्स वगैरह दिस इज पार्ट ऑफ इट एग्जैक्टली जो मैं कर रहा हूं दैट इज इन डिफरेंट स्टोरी चलो फिर कभी आई डू व्हाट एनेबल्स अदर्स जो आपके सामने बैठा हूं आपके साथ रिलेट कर रहा हूं आप मुझसे कुछ सीखेंगे मैं आपसे कुछ सीखूंगा आई डू व्हाट पेज माय बिल्स शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल पे हूं कि अपने बिल्स पे कर रहा हूं आई डू व्हाट आई एम गुड एट अल्लाह ताला ने मुझे पिछले 4-5 साल में अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो मौका मिला उसमें जो मैं चाह रहा था जो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी शोर दिया उसके बेसिस पे मैं आज वो कर रहा हूं आई प्रे टू अल्लाह टू गिव मी मोर तौफीक अच्छा सो ये जो पिछली मेरी बातें थी इस कांसेप्ट ऑफ अ गुड लाइफ है जिसके चार बड़े प्रिंसिपल्स हैं इकिगाई कहते हैं एक वो करो जो तुम्हें पसंद हो पैशन वो करो जिसकी सोसाइटी को रिक्वायरमेंट हो डिमांड वो करो जो तुम्हारे बिल्स पे करेंगे ऑब्वियसली सफिशिएंसी
और चौथा वो करो जिसमें तुम्हें अबूर हासिल हो, नॉलेज हो, एंड यू विल बी हैविंग अ गुड लाइफ, अ सक्सेसफुल लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी अच्छी होगी और प्रोफेशनल लाइफ में। लाइफ बेसिकली टिंकल्स योर सेंसेस, इट्स जस्ट इमोशंस, योर फेलियर्स एंड एवरीथिंग आर जस्ट इमोशंस, पेन है, प्लेजर है और कुछ नहीं है। आपको फेलियर्स की वजह से पेन मिलता है। अगर ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे हो तो वो तुम्हें ड्राइव करेगा, वहीं पर बैठे रहोगे अपने आपका जो हाथ चलता है आप इस तरह करते हैं उससे कुछ होता तो नहीं है, लेकिन दैट पेन बेसिकली ड्राइव्स यू टू डू समथिंग अबाउट इट, दैट इज लाइफ, डू समथिंग अबाउट व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस यू आर इन, इफ इट्स नॉट बेटर जस्ट गेट योर बूट ऑन एंड स्टार्ट मूविंग व्हाटएवर यू आर गुड एट, एंड प्लेजर मेक्स यू बिलीव। आप जब कोई चीज अचीव करते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन यहां से मिलती है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल ऑल बिल्ड होता है, आप आगे चढ़ना शुरू करते हैं। Associate your pain, take actions that would lead you to the pleasures you desire. Pain आपको actions देने पे मजबूर करता है, अगर कोई नहीं करता बल्कि करता है। वो action जब इंसान लेता है तो वो pleasure की तरफ जाता है। हाथ जलता है, इस तरह करो करो, लेकिन उसको ठंडे पानी में bottle में डाल दो, बाल्टी में डाल दो तो pleasure मिलता है। Simple example. So life has its attributes. हम कैसे परसीव करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, सारा कुछ अट्रैक्टिवनेस पे, फिजिकल की अपीयरेंसेस की और इन चीजों पे सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी हर एक चीज इस अट्रैक्टिवनेस, द वे यू लुक, द वे यू ड्रेस अप योरसेल्फ, इसका ये मतलब नहीं है कि कल जाके महंगे महंगे कपड़े पहनना शुरू कर दें, दैट डजंट ओनली मेक यू अट्रैक्टिव, योर नॉलेज एंड एवरीथिंग आल्सो डज, रिलेशनशिप्स, हाउ यू रिलेट योरसेल्फ, हाउ यू कोप अप विद योर फैमिली इश्यूज अलोंगसाइड विद योर प्रोफेशनल इश्यूज दैट आर गोइंग ऑन इन योर ऑफिस और व्हाटएवर। सो ये सारी आगे आते हैं, एक टेबल है उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूं। सोशल इंटरेक्शंस, हाउ यू परसीव विद योर एनवायरमेंट एंड सोशल के साथ, अपने नाई के साथ, अपने नाई के साथ, अपने ड्राइवर के साथ, अपने रास्ते में चलने वाले लोगों के साथ, सामने से गाड़ी ब्रेक लगा देता है उसके साथ गाड़ी टक्कर हो जाती है, आप उस वक्त क्या रिएक्शन होता है, वो चीजें सोशल इंटरेक्शन में आ जाती है। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस, इस चीज के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं है। अगर कोई सक्सेसफुल जिंदगी गुजारना चाहता है या फोर्सी कर रहा है अपने लिए, रिलीजियस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस के बगैर ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। अल्लाह की जात और रब के बगैर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रब के बगैर, उनके इश्क के बगैर ये चीज अचीव करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। जो स्टोरीज हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, कम टाइम के लिए हैं, उनको उनसे पूछे उनका कल्ब कहाँ पे है, उनको रातों को नींद आती है कि नहीं आती, और ऑब्वियसली फाइनेंशियल ये सीक्वेंस जो है, ये प्रायोरिटीज करियर को भी करता है, रिक्रिएशन को भी करता है और कंट्रीब्यूशन को भी करता है। आप ठीक होंगे, आपकी सेहत बेहतर होगी, आपकी पर्सनल लाइफ भी बेहतर होगी, करियर भी बेहतर होगा, रिक्रिएशन भी आप कर सकते हैं, अपनी हॉबीज, एडवेंचर्स, ट्रैवल, टूर्स वगैरह कुछ भी करना चाहेंगे, शूटिंग करता हूँ वो कर सकते हैं, और शूटिंग, स्पोर्ट्स शूटिंग वो करता हूँ, और कंट्रीब्यूशंस ऑब्वियसली गिविंग बैक वो कर सकते हैं। इमोशनल स्टेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट में जब आप रहते हैं तो आपका पर्सनल, करियर, रिक्रिएशन, कंट्रीब्यूशंस, हर एक चीज एक सेट माहौल में चल रही होती है। अट्रैक्टिवनेस आपकी पर्सनल और करियर दोनों में आपको मदद करती है। रिलेशनशिप्स, आप अपने घर में माहौल को बेहतर रखते हैं, अपने दोस्तों के साथ बेहतर रखते हैं, अपनी तो आपके पर्सनल, करियर और रिक्रिएशन। ऑब्वियसली आप ट्रैवल तो मजा नहीं आएगा, तो या अपने बेगम साहिबा को या अपने किसी दोस्त को, अपने जिगरी दोस्त को किसी को साथ देना पड़ेगा, सो ऑब्वियसली उसमें रिक्रिएशन में आपको मदद मिलेगा। सोशल इंटरेक्शन पर्सनल में ऑब्वियसली काम आता है, इसमें फैमिलीज भी आ जाते हैं, आपके इर्द गिर्द का माहौल भी आ जाता है, सब लोग आ जाते हैं। करियर, कंट्रीब्यूशन, तमाम तीनों चीजों में इफेक्ट करता है। रिलीजन,
पर्सनल में भी है, करियर में रिक्रिएशन में भी आ सकते हैं, ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशंस में भी, इसके बगैर पॉसिबिलिटीज किसी चीज की नहीं। फाइनेंशियल्स, पर्सनल, करियर, रिक्रिएशन, कंट्रीब्यूशन, सबको अफेक्ट होगा। सो हाउ टू अचीव अ बेटर सक्सेसफुल लाइफ, बातें थोड़ी लंबी हो गई, मेरे ख्याल में टाइम थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, थोड़ा सा गो थ्रू करूंगा इन चीजों को। सबसे पहले अपलिफ्ट योर वैल्यूज, अपने स्टैंडर्ड्स को उठाएं। स्टैंडर्ड्स को किस तरह उठाएं? स्टैंडर्ड्स उठाना ये नहीं है कि कल जाके गुच्ची से या स्केचर्स से जूते खरीदना शुरू कर दें और उससे सूट्स वगैरह लेना शुरू कर दें। स्टैंडर्ड्स ये हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस। स्टैंडर्ड वो है कि यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस फ्रॉम लाइफ, यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस फ्रॉम एनीथिंग दैट इज ऑफर्ड। मैनेजर लेवल पे है, जीएम लेवल तक मैंने पहुंचना है अगर वो आखिरी सीढ़ी है, और अगर सीईओ आखिरी सीढ़ी है तो सीईओ लेवल तक पहुंचना है। लेकिन एथिक्स, एथिक्स एलिवेट योर बिलीफ सिस्टम, एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम अपने ऊपर डालें। कॉन्फिडेंस लेवल वो तब बिल्डअप होता है जब आप अपने ऊपर उस चीज को हावी कर दें कि ये मैंने करना है, किसी भी हाल में करना है, अल्लाह मुझे इस चीज की तौफीक दे तो वो होता है। Empathize, but others, but with others. Sorry for the. अपने ऊपर पिटी ना करें, कोई जरूरत नहीं है। जो आपके साथ हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है। आगे जाएं, लोगों के साथ एम्पैथी रखें, अपने ऊपर अपने आप को चैलेंज करें। अगर अभी आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, कल से 4 बजे उठना शुरू करें। Be grateful for the life you have. अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करें कि इस वक्त हम आप अपनी स्क्रीनों के सामने बैठे हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जहां भी हैं, मैं यहाँ पर आपके साथ बातें कर रहा हूं। Be humble as you are just nothing. इसके बगैर पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आप उस लेवल तक आ जाएंगे आप दूसरे बंदे को इज्जत देना शुरू करें। मेरी गरीब का मेरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, गरीबी में नाम पैदा कर। दरवेश लोग ऐसे ही खुश नहीं रहते, वो आज की जिंदगी में टाइम गुजारते हैं, पिछला को पिछले को भूल जाते हैं, अगले की परवाह नहीं करते, कोशिश करते हैं, रबुल इज्जत देता है। फ्लेक्सिबल रिजिडिटी आपको तोड़ देती है, स्पेन को ज्यादा जोर दूंगा तो टूट जाएगा, टूटता। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें चेंज के लिए, कोई बात, स्टॉप लिविंग इन द पास्ट, overcome the fears of unknowns, wo jo baat hoti hai, challenge yourself, comfort zone se nikle, be curious for possibilities, apni jo opportunities create kare, imagination and auto suggestions for mind. Sukrat wali baat ki maine, batan banta hai pehle yahan pe, uske baad wo banta hai mitti se, uske baad chhedari hoti hai, wo log ko haath lete hain, kyun lete hain? Imagination, creative thinking, ab apni imagination ko sara train kare, because imagination is something that gives you a solution to whatever the issues that you have. Auto suggestions thoda sa wo hai, apne zehen ko full time koi cheez feed karte raha kare, kyun farigh na ho, Facebook pe baithna, TikTok pe baithna, aur logon ki opinion sunna, ye cheeze aapko wo nahi karega, farigh hoga to wo negativities ki taraf jayega, comfort zone mein jayega। सजेशंस देते रहे, या तुम कर सकते हो, तुम्हें ये एबिलिटी है, तुम ये लिख सकते हो, तुम ये पढ़ सकते हो, तुम ये अचीवमेंट कर सकते हो, दैट इज ऑटो सजेशंस। उसको ट्रेन करें, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकल प्रोसेस है। दिन में सिर्फ 5-10 मिनट देके इसको करें। सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसके बगैर नहीं होता। एक कॉपी लें, ये बुक, ये जो डायरी आपके सामने वो कर रहा हूं, ये दिस मैंने कहा ना आपके सामने रिलेट करना चाहता हूं, आई कॉल दिस माय कैंडी। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करें, मैंने क्या करना है, क्या बनना चाहता हूं, कैसे अचीव करूंगा, किस किस के साथ अचीव करूंगा, क्या कॉन्टैक्ट्स हैं, प्लान करें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे यकीन और तवक्कुल के साथ। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे काम करें, सॉफ्टवेयर स्किल्स जरूरी है, इस साइड एंड स्टैंड बाय इट। वंस यू हैव डिसाइड, जनाब साहब की सेइंग है, once you decide something, stick to it, stick to it,
stick to it. Decision का मतलब क्या है? Apart from something. To reject something. इसका मतलब ये है कि पुरानी बातें थी, possibilities हो गई थी, वो उसको छोड़ दो, आगे जाओ, आगे का देखो. Procrastination, delaying. आज का काम कल पे ना छोड़ें. कितनी दफा ये बात कही जाएगी? काम काम और बस काम, और आज ही के दिन का काम आज ही होना है. आज डिले होगा, आगे नहीं जाएगा. Find a mentor, professional or spiritual. और नहीं है, गलती से मैं लिख गया हूँ. And spiritual. अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ये दोनों मुझे नसीब हुए. यहाँ पर अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पर मुझे मेंटर्स मिले हैं. मुझे अपनी पिछली लाइफ में मेंटर्स मिले हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेंटर्स मिले हैं. और फिर जिन लोगों की मैंने बात की, बहुत इज्जत वाले लोग हैं, कासिम अली शाह साहब, प्रोफेसर अहमद रफी अख्तर साहब, सरफराज शाह लाहौर से, ये सारे लोग हमारे मुर्शिद. बहुत ही हर एक चीज में आपको मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ढूंढें अपने लिए. रब से मांगेंगे, वो खुद ब खुद चल के आपकी तरफ आएंगे. रब से मांगेंगे, तगदो करें, जस्तजू करें, आपके सामने आएगा. स्किल्स अडॉप्ट करें, हॉबीज लें, रिक्रिएशन करें. टेक द डिसीजन नाउ, अभी डिसाइड करें. द पावर ऑफ नाउ वाली बात है, अभी डिसाइड करें, अभी अभी अभी. कल पे बात छूटेगी तो बात चेंज हो जाएगी. और एक और चीज, स्टार्ट गिविंग बैक डेली. कुछ ना कुछ अल्लाह के नाम पे दिया करो. आपको जज नहीं किया था जब इतना कुछ आपको दिया गया, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अल्लाह के बंदों को जज करें, उनको कुछ दें या ना दें. और ये डिसाइड करें कि ये मेरे पैसों का हकदार है, ये मेरे स्किल का हकदार है कि नहीं, ये मेरे नॉलेज का हकदार है कि नहीं. अबव ऑल अल्लाह की जात पर यकीन, उसकी रजा में अपनी रजा को डालना ही सुकून कल नसीब होता है. और जिक्र इलाही करें, एक फराइज है, फराइज को करें. नमाज पढ़ना फर्ज है, उसके बदले उससे सिला मांगना गुना नहीं कहूंगा, लेकिन वो आपको कुछ नहीं देता, वो आपका फर्ज है. कुछ चाहते हो तो उससे रब्त पैदा करो. रब्त पैदा करना है तो उसको याद करो. उसको याद करना है तो उसके महबूब को याद करके उसको याद करोगे, तब वो तुम्हें वो रब्त मिलेगा, वो इश्क मिलेगा, वो सुकून और कल्ब मिलेगा कि अश, अश करते करोगे कि इतने साल मैंने कहां पे जाया किए. अल्लाह पे सब कुछ. छोटी सी असेसमेंट थी, एक्सरसाइज था, मैं थोड़ा सा यहाँ पर उसको शेयर कर देता हूँ. इफ समबडी वांट्स टू गेट इट डन, तो एक ये बहुत जबरदस्त वो है, से अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हमारी जो शुरू में जो डिस्टरबेंस आ रही थी वो रिड्यूस हो गई. जस्ट फॉर द फैक्ट लाइफ भी इसी तरह है, चैलेंजेस आती हैं, आप कुछ सोचते हैं, होता कुछ है. सो दैट डजंट मैटर. इंसान को लाइफ में, जिंदगी में आगे जाना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. थोड़ा सा टाइम दिया आपको. इंशाल्लाह और टॉपिक्स के साथ आपके सामने आऊंगा. पलवशा, देयर आर एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग, डू वी हैव अ क्यू एंड ए सेशन? उस वक्त तक मैं जरा ये शेयर कर लूं उसमें. जी जी, हमारे पार्टिसिपेंट्स में एक मुर्तजा ने हमें ज्वाइन किया है Zoom ऐप पे ही, एंड ही हैज अ क्वेश्चन फॉर यू. मुर्तजा, यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चन प्लीज. अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी. तारिक भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मुर्तजा, होप यू आर फाइन. जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग फाइन. आपका सेशन मैंने थॉरली सुना. आई एम एट वर्क, तो बीच में ऑन एंड ऑफ मैं ऑक्यूपाइड भी था, लेकिन स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपका सेशन मैं थॉरली सुनूं. तारिक भाई, जो टॉपिक आपने चूज किया उसके कॉन्टेक्स्ट में मेरा आपसे एक सवाल है. आपने तो कई सारी चीज़ें एड्रेस की हैं. आजकल के जो दुनिया के हालात हैं ग्लोबली, सारे लोग एक ही चीज़ के चक्कर में पड़े हैं, वो है माश का फिक्र. तो जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उसने लोगों के थॉट प्रोसेसेस और लोगों की डिसीजन मेकिंग को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर किया है. तो जो आपका टॉपिक है, अगर आप उसको कोरिलेट करें और जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं?
थोड़ा सा अगर आप इसको एड्रेस करें काइंडली. जी मेरी आवाज आ रही है? जी अच्छा अच्छा. I'll get back to Murtaza. This file I'm trying to send isn't send नहीं हो रहा. मैं बार-बार send कर रहा हूँ. Sorry. चलें. वो फाइल था, मैं इंशाल्लाह फिर वो शेयर कर देता हूँ. अच्छा Murtaza, thank you very much here. It's a pleasure having you here. Thank you. Murtaza is a very old friend of mine as well. And अभी जब वो आए तो he's a financial analyst and he's a general manager. He's into a financial business, so financial sector. So obviously, उनके सवाल यही आना था. Financial issues because of the COVID or other. अगर COVID ना भी होता तब भी जो issues आते हैं. देखिए, the thing is कि हमारी life सिर्फ finances नहीं है. लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया, once you start doing something, हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये कि हम एक चीज को एक ट्रक की बत्ती के पीछे भागते जा रहे हैं कि बस सबक सीखो, पढ़ना लिखना सीखो, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, थैंक यू वेरी मच, चाहे बाढ़ में जाए तो हमारी जिंदगी. मेरा थॉट प्रोसेस इसमें थोड़ा सा वही, मैं जापानीज उसकी बात करूंगा कि डू व्हाट यू लव. बेसिकली इफ यू स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लव, तो आपको वो स्किल सेट है या चाहे जो भी नॉलेज है या जिसके थ्रू आप अपने रिसोर्सेज गेन करना चाह रहे हैं उसके थ्रू यू विल हैव दैट. एक तो आपको एक सुकून और कल्प सुकून कल्प भी मिलेगा, आप रिलैक्स भी होंगे. जब आप पर्सनली रिलैक्स होंगे, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड बेटर फॉर योर फाइनेंसेस एज वेल. आप कम में भी फिर अपना अच्छा वक्त गुजारा कर सकते हैं. अभी कोविड के सिचुएशन में देखें तो अगर इन हालात में बहुत से लोग थे जिनको लेट गो किया गया उनके कॉर्पोरेट जॉब्स एंड स्टफ लाइक दैट. So, बहुत से लोगों को इश्यूज आए, लेकिन उसमें ये था कि लोगों ने स्किल सीखना शुरू किए. दैट वाज अ वंडरफुल थिंग. नए स्किल सीखे लोगों ने नए बिजनेस आइडियाज शुरू किए. मायसेल्फ बीइंग इनटू द स्टार्टअप डेवलपमेंट एंड एसएमई डेवलपमेंट, लोगों ने नए नए वेंचर्स शुरू किए, अपने होम बिजनेसेस शुरू किए सो दैट दे कैन डू. और क्या हुआ उसमें, वो लोग वही कर रहे थे जो उनको पसंद था. It's sort of ये COVID का जो situation है, this is a sort of a blessing in disguise as well from Allah Rabbul Izzat. इसमें लोगों ने अपने आप को assess किया और उसकी basis पे वो सामने आए कि यार मैं क्या था, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए अपने life में. तो जब आप खुद वो चीज करना शुरू कर देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं 9 to 5 की जॉब करता हूँ, मुझे वो जॉब पसंद नहीं है, मैं आखिरी 5 बजने का इंतजार करता हूँ, और बल्कि 4:55 के पर ही मैं वहां पर वो बायोमेट्रिक स्कैन के सामने खड़ा हो दूंगी. जैसे ही 5 बजे के सबसे पहले उठा मेरा लगे, बजाय इसके कि मैं अगर वो काम करूं तो मुझे 9 to 5 जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे 9 to 5 टाइम पे जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं रात के 2 बजे तक भी काम कर सकता हूँ. बिकॉज आई वुड बी लविंग दैट थिंग दैट आई डू. सो मेरे ख्याल में नया स्किल सेट सीखने की जरूरत है. आई होप हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली हमारे यंग व्यूअर्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने हमें जूम ऐप पे ज्वाइन किया, जिन्होंने हमें फेसबुक पे ज्वाइन किया, उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा. थैंक यू सर फॉर एन इनसाइटफुल ट्रेनिंग सेशन एंड हाफिज़.